तो स्वागत है आप सबका। आज हम तेरा घाटा गाने पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सोच के बोला होगा तुमने। सबसे पहली बात तो ये कि इधर ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाना चालू है कि जेके वॉल पुट्टी का एडवर्टाइजमेंट चालू है। अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। ब्रेकअप के बाद ये रंडी रोना सबका होता है, याद सब कुछ होता है कि किधर बाल है, कौन सा जगह बिना बाल के अच्छा लगता है, कौन सा जगह बाल के साथ अच्छा लगता है, लेकिन बताना नहीं होता है किसी को, क्योंकि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसको ये ना लगे कि उसके बिना मैं कमजोर हूँ। और यही जब किसी स्टार के साथ होता है वो एक गाना या मूवी बना के यूट्यूब में डाल देता है और अपने ही ब्रेकअप से पैसे कमाता है। और ये इंडिया है, इधर खुद के घर में हिलाने की जगह हो या ना हो लेकिन दूसरों के ब्रेकअप में जरूर लंड डालेंगे, इसलिए स्टार्स को व्यूज भी अच्छे आते हैं। नहीं, गाने के बीच में ये वाले पोजीशन की क्या जरूरत थी, लगता है अपने बॉयफ्रेंड को ये बताने की कोशिश करी कि ये है मेरा घाट, इसमें तेरा नहीं जाता, तू बस याद करके हिलाता और अपना काम चलाता। अब और क्या कहना होगा हमने, करना था जो वो कर लिया तुमने। तो इसके होने वाले बॉयफ्रेंड याद रखो, इसके एक्स ने करना था जो कर लिया उसने, लेकिन ये लड़की दिल की बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, मैं इसके दिल की साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर वाली दिल की बात कर रहा हूँ जो धड़कता है। ये लड़की उसकी बहुत अच्छी, इसने जो है मुंह पे बोल दिया, कुछ छुपा के नहीं रखा। बाकी तो आपकी मर्जी, आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इस लड़की के अंदर और बाहर दोनों दिल काफी अच्छे है। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। ये मैडम जिस तरह से कह रही है ना इसमें तेरा घाटा, उसको देख के लग रहा है कि ये कहना कुछ और चाहती है लेकिन कह कुछ और रही है। रुको, मैं उस चीज को ठीक करता हूँ। बस आज के लिए इतनी गालियाँ काफी है, तो आज खत्म करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।